दो दिन तो हो गए बाइक चला के, थोड़ा चेन क्लीन कर लेता हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कश्मीर। आप सभी का लद्दाख सीरीज़ के तीसरे एपिसोड में स्वागत है। आज हम लोग श्रीनगर में हैं। अभी श्रीनगर से हमारा प्लान है कारगिल तक पहुंचने का या फिर लेह तक पहुंचने का। वो तो एग्जीक्यूट कैसे होता है वो तो टोटली डिपेंड करता है रोड कंडीशन, ट्रैफिक और बाकी सब चीज़ों के ऊपर, कितने ब्रेक्स वगैरह लेते हैं इसके ऊपर। अभी फ़िलहाल हमारा बाइक्स वगैरह सब रेडी है, सब लोग रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। वो यहाँ से निकलेंगे, सोनमार्ग में एक बार रुकेंगे और उसके बाद चले जाएंगे टुवर्ड्स चोचिला पास। आपको ये सीरीज़, लद्दाख का सीरीज़ कैसे लग रहा है, आप हमेशा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताते रहना। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपके हर कमेंट्स पढ़ता हूँ और हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। नबील, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। देखो तुम्हारा यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। फ्रैंकलिन, डीजे, रोहन, जतिन, अभी हम लोग सब रेडी तो हो चुके हैं। यहाँ से सोनमार्ग थोड़ा रुकेंगे, सोनमार्ग के बाद सीधा चोचिला पास चालू करेंगे। कल का अगर आपने वीडियो नहीं देखा रहेगा तो पहले कल का वीडियो देख लीजिए। कल के वीडियो में मैंने पटनी टॉप से श्रीनगर का राइड का एक्सपीरियंस डाला है, पूरा राइड डाला है। उसके अलावा हम लोग जब श्रीनगर में घूमने जा रहे थे तो हमारे साथ क्या हुआ, क्या ट्रेजिडी हुआ, वो सब कल के वीडियो में है, मिस मत करना। वो देख के आपको क्या लगता है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी सीधा मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। चलो मिलते। चलो फाइनली हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से। जतिन क्या हुआ, क्या लगाने के लिए, क्या लगाना भूल, किधर है पाउच? अच्छा मैं भी भूल गया, अभी याद आया मेरे को। तो यहाँ से ले है 400 किलोमीटर और ले तक पहुँचने का हम लोग ट्राई करेंगे। लास्ट ईयर हम लोग ने तीन हॉल्ट में ले पहुँचे थे, श्रीनगर से द्रास, द्रास से लामायुरु, लामायुरु से ले। लेकिन लामायुरु से ले ज़्यादा किलोमीटर है नहीं तो वो एक तीन घंटे के अंदर हो जाएगा। अच्छा कॉन्वे जा रहे, ठीक है ओके सर। गाइस कॉन्वॉय जा रहा है, इसके लिए हम लोग को साइड में रुकाया। स्टार्टिंग में हम लोग को लगा क्या प्रॉब्लम है, हम लोग को फिर से पकड़ा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखो कॉन्वॉय है, ये देख कैसे रहे अपने को। अच्छा ये है अमरनाथ यात्री। देखो गाइस अमरनाथ यात्री के लिए सिक्योरिटी देखो। पूरा कैमरा है उसमें, आ रहा है ना आवाज वगैरह, क्या सेफ्टी हो, बाप रे। सुशोध, सो यहाँ पे हम लोग को रुकाया गया था बिकॉज अमरनाथ यात्री सब एक ही साथ जा रहे थे, उनके आगे पीछे बीच में रुके थे, मतलब उन लोग के साथ ही थे। सो वो चीज़ के वजह से हम लोग को यहाँ पे रुकाया गया था। सो ये मेरे बाजू में जो देख रहे हो ये है इंडस रिवर। ये इंडस रिवर इंडिया का या फिर आप बोल सकते हो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है। इंडस रिवर बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर नदी है। ये नदी फ्लो होता है तिब्बत से लद्दाख, लद्दाख से कश्मीर, कश्मीर से फिर होके पाकिस्तान में एंटर करके अरेबियन सी में एंड होता है। पे बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हो गया है, पता ही नहीं चल रहा है कैसे ठोकरेगा। चलो अपने को छोड़ दिया,
बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है। लास्ट टाइम का लद्दाख का अगर आप वीडियो देखोगे तो यही स्पॉट पे हम लोग रुके थे। ये देखो व्यू, देखो ये व्यू देखो, वहाँ पे हम लोग ने बाइक लगाया था और यहाँ पे फोटो निकाला था। और ये पानी का आवाज़ तो मुझे लास्ट ईयर भी अच्छा लगा था, अभी भी देखो कितना आवाज़ आ रहा है, क्या बह रहा है पानी, मज़ा आ रहा है। ये देखो फर्स्ट व्यू ऑफ स्नो कवर्ड माउंटेन। अभी ये तो छोटा है, आगे आगे बहुत बड़ा है। आ जाओ जतिन, कार है कार है कार है कार है फ्रैंक, कार है क्या? लेफ्ट अपन ना है जागा, लेफ्ट नहीं टाकले आम्ही आता। अब आम मरतो है बस, बस वाला जरा थांबायला होत नाही त्याला। नहीं नहीं मिलेगा रुकने के लिए आर्मी वाला। अरे भाई क्या कर रहा है ये? लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू सोनमार्ग। यही डायलॉग मारा था लास्ट टाइम भी। फाइनली सोनमार्ग में पहुंच चुके हैं, ये ब्रिज से हम लोग जा रहे हैं सोनमार्ग। अभी होटल्स जो हम लोग कल कवर करने वाले थे, कल यहाँ से यहाँ पे पहुँचने वाले थे, बट अच्छा हुआ नहीं पहुँचे। यहाँ पे होटल्स का रेट बहुत ही आसमान को छू चुका था। ये देखो मेरे राइट साइड में स्नो कवर्ड माउंटेन्स, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये देखो लेफ्ट साइड में पूरे होटल्स हैं यहाँ पे। चल चल, ये देख डीजे, वाव ये तो जन्नत है यार। यहाँ से जैसे ही जोजिला पास चढ़ना चालू कर दिया, जतिन का तबीयत हो गया डाउन। यहाँ पे हम लोग थोड़ा टाइम रुके, जतिन अनइजी फील कर रहा था, सो जतिन को थोड़ा सा ठीक लगने के बाद हम लोग 10-15 मिनट के बाद यहाँ से वापस जोजिला पास चढ़ना चालू कर दिया।
बाय द वे इतना मैं सब म्यूजिक यूज कर रहा हूँ बिकॉज मेरा माइक काम करना बंद हो गया था, गोप्रो में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है ले तक पहुँचने तक। सो इसके वजह से मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में वॉइस ओवर कर रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा म्यूजिक डाला है। गोजिला ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया था और हमारे पास बहुत सारा टाइम बचा था। सो हम लोग ने यहाँ से डिसाइड किया कि हम लोग कैसे भी करके आज ले पहुँचेंगे। यहाँ पे फ्रैंकलिन रॉजर और डीजे हमारा वेट कर रहा है जीरो पॉइंट पे। हम लोग फाइनली पहुंच गए जीरो पॉइंट। यहाँ पे कश्मीर ऑफिशियली खत्म होता है और इसके आगे लद्दाख रीजन चालू होता है कारगिल डिस्ट्रिक्ट। जीरो पॉइंट पे आ गए, बाइक लगाया, मैगी खाने के लिए यहाँ पे रुके हैं और यहाँ पे देखो नजारे। ये एक्चुअली टूरिस्ट पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट रहते हैं। अमरनाथ यात्रा चालू है उसके वजह से यहाँ पे टूरिस्ट नहीं है, नहीं तो आप देखोगे तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत सारे रहते हैं। अभी यहाँ पे देखो फिर भी बहुत सारे टूरिस्ट है यहाँ पे। ये पूरा बर्फ के नीचे से पानी जा रहा है। तो यहाँ पे गरम गरम मैगी खाने का मजा, डीजे भाई भी खा रहा है, रॉजर। ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड यहीं से एग्जैक्टली चालू करेंगे। अभी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करने का रीज़न ये है, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। सो उसके वजह से यहाँ पे वीडियो करते ख़त्म। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।